बातें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने अभी हेयर कट करवाया उसके बाद मुझे एकदम सब परफेक्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने तंबाकू खा के मेरे बालों में थूक दिया हो। कि तीसरी बार मेरा शैम्पू होने वाला है। आई एम डन। लोग बहुत ज़्यादा आपका अच्छा नहीं चाहते, वो हमेशा आपका गंदा चाहते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे ही मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, मेरी गली में द ओनली रीजन मुझे अपने घर से भागना है इज दिस। विल जस्ट ट्राई टू इग्नोर दैट एंड सो बात ये है कि आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू गेट माई हेयर कट डन। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मेरे बाल बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हो आप लोग की क्यों कटवा लिए। बट यार बड़े बाल मैनेज करना इट इज अ टास्क, इट्स नॉट ईजी एंड मुझे उस झंझट से थोड़ा ना कुछ टाइम के लिए शांति चाहिए। बहुत टू मच हो रहा है मेरे को, मेरे बाल इतने लंबे पसंद नहीं है। मैं हर साल एक्चुअली छोटे करवा लेती हूँ बट इस बार मैं बहुत ज्यादा छोटे करवाने वाली हूँ। सो मेरे को बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है और मेरे को बहुत ऐसे धक धक भी हो रहा है, बट मैं करवाऊंगी। मुझे आप लोगों का रिएक्शन देखना है कि आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे कि ओ माय गॉड। बट मैं इस बार करा के रहूंगी, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस बार मुझे बाल कटवाने ही कटवाने हैं। सो या यही आज हम व्लॉग करेंगे, यही हमारा आज का कंटेंट। हेयर कट करवाने के बाद आई एम प्लानिंग टू गेट माई सेल्फ अ डायसन किट। आई थिंक इट्स बिन 2-3 years ओके जब मेरे को डायसन चाहिए था एंड मेरे को ऐसे लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इनफैक्ट मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती थी कि डायसन मतलब ये नहीं हो सकता, डायसन क्या ही करूँगी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लेती हूँ, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सो या आई एम सो एक्साइटेड। तो अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है वहाँ जाने से पहले। मुझे गेट रेडी विद मी शूट करना है एंड देन ट्रांजिशन वाली भी एक रील या शॉर्ट्स में कुछ डालूंगी, तो ट्रांजिशन का जो बिफोर वाला पार्ट होता है वो शूट करना है। सो ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। आई हैव 1 hour सो इतने में हो ही जाएगा ईजिली। सो या नहा चुकी हूँ मैं बाय द वे, अगर नहीं लग रहा हो आपको तो। सो एंड मेरा स्किन केयर इज ऑल्सो डन, कुछ नहीं किया मैंने, बस सनस्क्रीन लगाया, दैट्स इट। एंड आई विल टेल यू कि मैं कहाँ जा रही हूँ, सैलून कहाँ पर है। मैं वहाँ पर पहले एक बार जा चुकी हूँ एक्चुअली, इससे जस्ट पहले जो मैंने अपना हेयर कलर करवाया था वो मैंने वहीं से कराया था। एंड जब भी मैं इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालती हूँ मुझे काफ़ी DMs आते हैं कि ये कौन सा हेयर कलर है, कहाँ से करवाया। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि मैं एक्चुअली कहाँ जा रही हूँ लास्ट एक बार से। एंड आई थिंक अब मैं वहीं जाऊँगी बिकॉज इट वॉज टोटली वर्थ इट। जब इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली वहीं जाना बनता है, राइट। एंड ऑफ कैमरा मैं अपना गेट रेडी विद मी शूट कर लेती हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपसे मिलूंगी जब मैं पूरी तैयार हो जाऊंगी विद माई आउटफिट, माई मेकअप, माई हेयर। सो आई विल सी यू इन जस्ट 1 second बाय। तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग कर रही हूँ एक्चुअली। कैब आने वाली है, मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ एंड मैंने क्या पहना है वो मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगी और शॉर्ट्स एंड रील्स भी मैंने डाल दिया होगा अब तक। सो आप जाके चेक कर लेना। नो 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 नहीं 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 नहीं, अरे 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 नो, काटती है, काटना नहीं है, काटना ही। ये ना हमें मतलब मम्मी को कहीं बाहर से मिल गई थी और मम्मी के पीछा पीछा करते हुए हमारे घर तक आ गई, तब से मैंने इसको अपने घर पे रख लिया है क्योंकि इसको थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन हो रखा था। अभी ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया, आपको पता है एकदम स्टार्टिंग में एकदम रेड रेड था। टचवुड, बस जल्दी से ये ठीक हो जाए एंड इसका प्रॉपर खाना वगैरह सब मैं इसको देती रहती हूँ। एंड इसके मेडिसिन भी चल रही है, इंजेक्शन्स भी लगे हैं। अभी मैं टच नहीं कर सकती और बड़ा मन कर रहा है। क्या है, खाना खा तो लिया? ओए लड़की, ओए लड़की, नीचे आओ। इसका अभी तक हमने नाम नहीं रखा यार, कुछ सजेस्ट करो प्यारा सा नाम। इसके वो छूने का मन कर रहा है, मेरे को छूने का मन कर रहा है। पगलेट। चलो हमारी कैब आ गई, वो भी आ रहा है। आ रहा है, नहीं आ रही है, एक तो पिटता है क्या।
वो आ गई कैब, भारी है कैब तो लेंगे। ठीक है, शाम को मिलते हैं, बाय। बहुत तेज नींद आ रही है, बाप रे। हेलो गाइस, वी हैव रीच्ड खान मार्केट। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है सैलून। वैसे मैं एक ही बार आई हूँ बट मैं भूल गई कि कहाँ है। सर ये स्ट्रीट्स बड़ी अच्छी है यहाँ पे। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं और मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। लुक एट माय डार्क सर्कल्स। मेरे बहन के कहने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ हर, अभी तक हम घर जा चुके होंगे बट इसने बोला कि हेयर कलर करा दे थोड़ा आगे वाला, तो कुछ तो कराया मैंने। फिर उसके बाद होगी स्टाइलिंग एंड उसके बाद एकदम फाइनल लुक देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। बट मुझे हेयर कट ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी हेयर स्टाइलिंग के बाद देखते हैं कि वो कैसे रखते हैं। क्या हमेशा अपने दिल के सुननी चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने अभी हेयर कट करवाया उसके बाद मुझे एकदम सब परफेक्ट लग रहा था। फिर ये आई, इसने बोला दीदी यहाँ पर ना कोई कलर करा ले, और जो मैंने वो कलर कराया बस मत पूछो कैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने तंबाकू खा के मेरे बालों में थूक दिया हो। पर अब वापस से कोई और कलर करवाया, मतलब उसको डार्क किया है, अब उसको ठीक कर रहे हैं। मतलब यार ये तीसरी बार मेरा शैम्पू होने वाला है। Done. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्लीज सिर्फ अपने मन के सुनो, किसी के मत सुनो यार। मतलब लोग बहुत ज़्यादा आपका अच्छा नहीं चाहते, वो हमेशा आपका गंदा चाहते हैं। नो गाइस, दिस इज द फाइनल कलर। ये कैसा लग रहा है ये वाला पार्ट? सब अच्छा लग रहा है, तो खुद देखना अभी। अच्छा लग रहा है? हाँ, क्यूट। पहले मैं कहीं और से कराती हूँ, जो लास्ट टाइम शिप्रा लेके आई, तो ऑब्वियसली अब कहीं और बात नहीं करता।
बेकार सही है अभी। उधर देख गाइज, दिस इज द फाइनल लुक। इन्होंने इतने अच्छे से स्टाइल किया है ना, ओ माई गॉड, जैसा मुझे एग्जैक्टली चाहिए था, जैसा मेरा इंस्पो था, एग्जैक्टली वही लग रहा है। और मेरे को इतना ऐसा लग रहा था, पता नहीं मेरे मुंह पे कैसा लगेगा, बट इट इज़ एक्चुअली लुकिंग सो गुड। और स्ट्रेट भी अच्छे लग रहे थे एंड वेवी भी बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है एंड आई एम लविंग इट। अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी ना मैं आपको पीछे से सारा लुक दिखाती हूँ कि आगे से कैसा लग रहा है, पीछे से कैसा लग रहा है। Guys, I am so happy with my look. ये देखो पीछे से कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई जस्ट विश कि मैं खुद कभी अपने बाल ऐसे स्टाइल, ये मैं नहीं लग रही, मुझे तो लग रही कोई हीरोइन है। आपने मुझे थोड़ी ज़्यादा तारीफ हो गई, बट आप लोग प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दे देना। बहुत गट्स लिए मैंने ये करवाने के लिए एंड आई एम सो हैप्पी। हाँ, अमीर वाइब्स, पिंट्रेस्ट वाइब्स, अमीर का तो पता नहीं बट पिंट्रेस्ट वाइब्स डेफिनेटली, वॉन्ट टू बी अमीर। Let me know. Guys, please let me know your honest comments and ab pay kar deti hu thoda. जब आप हेयर कट कराते हो तो आपको ऐसे ही स्माइल करना होता है। आज मैं ऐसे ही चलूंगी हर जगह बाल लहराते हुए। I'm obsessed with my hair. Guys, I've got the kit, Dyson Air Wrap. Finally. बहुत भारी है, ज़्यादा हैवी है। मैंने डाइसन ले लिया, मैं हेयर स्टाइलिंग किया करूँगी। गाइज, वी आर गोइंग बैक होम, वी आर सो टायर्ड एंड रात के ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, सो थोड़ा डर भी लग रहा है कि घर पे डांट भी पड़ सकती है। मेरा मन था कि मैं मिनी सो जाऊँ बट वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, तो वी आर गोइंग बैक होम। क्या हो गया, क्या हो गया, इतना क्या हो गया?
तेरी कैसी शक्ल है ये? इसका सही हो गया थे? काफी हाँ पेट देखो इसका बहुत खाती है बहुत प्यारी है इससे भी प्यार हो गया पता है जो टर्च मिर्च हो गया इससे ये जब से आई है तब से हमारे घर पे रहती है बिल्कुल परेशान नहीं करती बस शुशु पॉटी शुशु पॉटी शुशु पॉटी शुशु पॉटी प्लीज गाइस सजेस्ट अ नाइस नेम फॉर माय डॉल अब पॉटी साफ कर लूँ उसकी आते ही पॉटी साफ करने का ऑर्डर मिला है पापा से मेरा नया पारुल स्वेटर वैसे मैंने व्लॉग एंड कर दिया था आई नो बट मैंने सोचा कि जो मैंने डाइसन लिया है जो कि ये रहा मैंने इसको अभी तक खोल के नहीं देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार देखती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या पकड़ा है और मेरे साथ साथ आप लोग भी देख लोगे एंड घर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी मॉम ड्यूटी पूरी करी या अब मैं अपना काम कर रही हूँ दिस इज सो हैवी ये पूरी किट है और जो उनका रिसेंट लॉन्च हुआ है ना जो ब्लू एंड पिंक कलर में है वो वाला लिया मैंने स्पेसिफिकली मैंने बोला तो मुझे यही वाला कलर चाहिए अनबॉक्सिंग के चक्कर में ना मैं कुछ तोड़ फोड़ ना कर दूं वाओ डाइसन एयर रैप कंप्लीट लॉन्ग मेरा ये वाला कलर मुझे चाहिए था ब्लू एंड पिंक मेरा बोला इट्स अ ह्यूज बॉक्स यार लाइटिंग तो अच्छी आ रही है रात में तो मैं तो रात में भी शूट कर सकती हूँ Ready? God, you guys. आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हूँ बट आई कांट एक्सप्लेन हाउ दिस फील्स शिट दिस इज सो गुड मैं अभी ना इसको बिल्कुल भी खोल नहीं रही हूँ तो ये सारी चीजें है इसमें वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और अब तो वैसे भी मेरे शॉर्ट हेयर है तो इसमें मैं कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई करती रहूँगी और मेरे लिए इजी भी होगा प्लस मेरे अब बाल नहीं झड़ेंगे ऑलमोस्ट जीरो क्योंकि जब भी मैं इसे हेयर कट करवाती हूँ काफ़ी टाइम तक मेरा हेयर फॉल होता ही नहीं है मज़ा भी आएगा नहीं तो मैं बहुत आलस मार जाती हूँ कि मैं क्या ही करूँ बालों के साथ बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है वाओ वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस आई थिंक इस साल जो मैंने किया है या आई रियली होप आप लोगों ने मेरे साथ आज का दिन एंजॉय किया एंड आई रियली होप आपको मेरे ये छोटे से बाल पसंद आए हैं बाकी सैलून की सारी डिटेल्स और जिनसे मैंने करवाया हिज नेम इज़ प्रशांत उनकी डिटेल्स उनका इंस्टा प्रोफाइल सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आपको कोई भी क्वेरी है अगर आपको ये भी जानना है कि मैंने कौन सा हेयर कट किया है मैंने कौन सा कलर करवाया है मैंने इससे पहले कौन सा कलर करवाया था आप ए टू जेड आपको जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली प्रशांत से पूछ सकते हैं सो उनका लिंक इंस्टाग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप ज़रूर चेक कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अ हेयर कट लाइक मी मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ यू नो सो आप बस उनको इंस्टा पे डीएम कर देना एंड यू जस्ट सॉर्टेड जो भी सवाल है बेझिझक आप उनसे पूछ लेना डायरेक्टली ठीक है That's it guys, that's it for today. I really hope enjoyed the vlog and if you really did, तो आप लोग को पता है कि आपको क्या करना है Please, 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 please वीडियो को लाइक कर देना मुझे उसी से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं फिर और व्लॉग्स बनाऊंगी यू नो एंड कॉमेंट करके बताना मुझे आपको कैसा मतलब मुझे आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको हिंट देना चाहती हूँ दैट it is going to be a brand versus another brand जो हमारा next haul होगा I think हमने ऐसा कुछ अपने channel पे पहले नहीं किया है like brands के बीच में face off kind of a thing so I'm very excited yeah guys bye बहुत मैंने बोल दिया थोड़ी शादी भी चल रही है ना पीछे तो लोग थोड़ा enjoy कर रहे हैं so let them enjoy and let me just go एंड स्लीप बहुत थक गई हूँ आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय मेरा मन नहीं करा एक्चुअली जाने का आपको समझ आ गया होगा बट जाना तो पड़ेगा है ना बाय गाइज लव यू लिपस्टिक छूट गई